नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमडी टू रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, एचएसएससी के अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो हमने हमारे चैनल पर सीरीज चला रखी है एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उसका पार्ट 5 है और आज की इस वीडियो में सोल्यूशन करेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019 कैटेगरी नंबर 83 का जो आपका मैकेनिक डीजल इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ था, दिसंबर के महीने में हुआ था। ये 12 दिसंबर को आपका पेपर आफ्टरनून सेशन में हुआ था। इस वीडियो में उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और जो भाई पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। कंगन शब्द है, कंगन का पर्यायवाची होगा जी चूड़ा। इसी प्रकार से विलोम शब्द बताना है आपको रुंगण का, क्या क्या जी रुंगण का हो जाएगा स्वस्थ, आपका विलोम शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ होता है जी शोभा बढ़ाना। चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाइए श्रोता, श्रोता जन इसका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाए कन्या, कन्याएं इसका बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार से सिक्स्थ क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, सिनोनियम बताना आपको स्क्रपल्स का, तो ये सिनोनियम आपका हो जाएगा केयरफुल। इसी प्रकार से एंटोनियम आपको बताना हिंडर का, हिंडर का जो एंटोनियम होगा वो हेल्प हो जाएगा। इसी प्रकार से ईडियम दिया हुआ हिट द सेक, हिट द सेक जो ईडियम दिया हुआ इसका मीनिंग आपको बताना है गो टू बेड, हिट द सेक मतलब होगा गो टू बेड। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द सिटी टू क्राउडेड विद बिल्डिंग, द सिटी टू क्राउडेड विद बिल्डिंग एंड व्हीकल एवरीवेयर, ये आपको करेक्ट सेंटेंस बताना। द सिटी इज टू क्राउडेड विद बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स एवरीवेयर, ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी ब्रैकेट में। द सिप डैश टू द बॉटम ऑफ द सी, द सिप सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, यह आपका जीके यहाँ से शुरू हो जाती है। द्विपक्षीय वार्ता लाहौर शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए पाकिस्तान की एक ऐतिहासिक बस यात्रा शुरू करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। वर्तमान में भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच कौन है, तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड हैं। कौन है जी, ग्राहम रीड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान की सीमा के साथ सटी हुई नहीं है। देखिए पंजाब भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, राजस्थान भी करता है, गुजरात भी करता है, पंजाब मध्य प्रदेश नहीं करता है। इसी प्रकार से राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं जी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष आप कह सकते हैं। थानेसर खालिस्तान का पुराना नाम है, थानेसर कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा के प्रमुख या प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा थे, आप सभी जानते हैं। हरियाणा की प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए, हरियाणा के प्रथम विधानसभा के चुनाव 1966 में हुए थे। 18वां क्वेश्चन है, कॉलम दिया उनका मिलान करना है कि भी पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, ये तो आप सभी जानते हैं 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। अब ये पूछ रहा है कि सही मिलान करना, पानीपत की पहली लड़ाई ये दोस्तों बाबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पानीपत की दूसरी लड़ाई हो जाएगा आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच ये लड़ी गई थी। तीसरी पानीपत की तीसरी लड़ाई की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि हरियाणा कैबिनेट में आबकारी और कराधान मंत्री कौन है, दुष्यंत चौटाला जी आबकारी और कराधान मंत्री हरियाणा कैबिनेट में हैं। अगर मैं बात करूं वित्त मंत्री वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। प्रो कबड्डी लीग 2019 में हरियाणा स्टीलर्स का कोच कौन होगा, तो प्रो कबड्डी लीग 2019 में हरियाणा स्टीलर्स का कोच राकेश कुमार होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के निष्क्रिय थर्मल पावर प्लांट में खालिस्तान के कार्यान्वयन करने की परियोजना शुरू की है, ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी पावर प्लांट। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मेगा फूड पार्क्स योजना के तहत खालिस्तान में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है ब्राही सोनीपत के अंदर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हरियाणा राज्य सरकार 2019 की समाप्ति तक सरकारी स्कूल के छात्रों को 80% श्रेणी स्तर की योग्यता प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम की अगुवाई कर रहा है, सक्षम घोषणा कार्यक्रम की अगुवाई कर रहा है। अमेरिका स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुड़गांव जिले में किस चीज़ का या किसका शुभारम्भ किया? ग्लोबल साइबर रेंज लैब का अमेरिका स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुड़गांव जिले में शुभारम्भ किया। पंडित नेकी राम शर्मा ने संदेश, जैसे मैंने आपको पहले भी दोस्तों इसके बारे में ट्रिक बताई, भाई जो नेक आदमी होते हैं वो संदेश देंगे और श्री राम जी तिलक करेंगे। सुरेंद्र शर्मा आप सभी जानते हैं कवि थे, ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी कवि और ठिठोली यानी कि हास्य व्यंग कवि थे, ये जी कवि और ठिठोलिया थे। मांझी मनिकाय और दिव्य वदान साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी है, वे बौद्ध साहित्य हैं। कौन से है जी? बौद्ध साहित्य हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह लेखक 1970 में रोहतक के सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करने वाले एक सफल चिकित्सक व्यवसायी हैं। हालांकि आज इनके पास हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और अंग्रेजी में कई प्रसारण हैं प्रकाशन है। उन्हें वर्ष 2007 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? श्याम सखा श्याम। तो श्याम सखा श्याम को पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार मिला हुआ 2007 के अंदर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी? घग्गर नदी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी। हरियाणा का कौन सा हिस्सा शिवालय की पहाड़ियों से ढका हुआ है? तो उत्तर पूर्व हिस्सा। हरियाणा का राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल जिले के अंदर स्थित है। यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? पूर्वी सीमा पर बहती है। आगे फिर कॉलम दिया, उनको मैच करना है। सूरजकुंड झील किस प्रकार से मैच होगी? ब्रह्म सरोवर झील, सन्निहित सरोवर और सुखना झील। सूरजकुंड झील की अगर मैं बात करूं, माना जाता है इसे सूरजपाल ने बनवाया था। सूरजकुंड झील को सूरजपाल ने बनवाया था। सुखना झील माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पृथ्वी की कल्पना की थी। कहाँ पर? सुखना झील पर भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की कल्पना की थी, ठीक है जी, माफ कीजिए मिस्टेक होगी। ब्रह्म सरोवर झील बी ऑप्शन जो आपका, ब्रह्म सरोवर झील जो जैसे नाम से प्रतीत होता है, ब्रह्म सरोवर झील कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। यहाँ पर माना जाता है कि ब्रह्मा ने पृथ्वी की कल्पना की थी। इसी प्रकार से श्री सन्निहित सरोवर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। और सुखना झील की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो होगा यह मानव निर्मित झील है। कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। सुखना झील मानव निर्मित झील है। सन्निहित सरोवर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? भगवान विष्णु का निवास है। ब्रह्म सरोवर यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी कल्पना की। सूरजकुंड झील राजा सूरजपाल ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? 65.94%। किस उपकरण को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है? तो माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, फरीदाबाद है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले की गुड़ियर कंपनी में किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? गुड़ियर आपने देखे होंगे टायर्स, जो हरियाणा के बल्लभगढ़ में स्थित है गुड़ियर कंपनी, वहाँ पर टायर का निर्माण होता है। कागज पर रेखांकन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और ये आउटपुट डिवाइस भी है प्लाटरों का, किसका जी? प्लॉटर्स जिसे आप कहते हैं। अगली आपकी रीजनिंग लैंग्वेज है, भिन्न का चयन करना, फूल, बीज, फल और जड़, ठीक है, तो जड़ इसका सही आंसर रहेगा। जड़ जमीन के अंदर होती, बाकी फूल बीज फल आपका ऊपर होता है। इसी प्रकार से आपका एनालॉजी है, समानता ढूंढनी है। AD रेशियो में FI के, तो MP हो जाएगा VY के। इसी प्रकार से अनुपस्थित नंबर को ज्ञात करना, 12, 15, 13, 16 और 14। देखिए 12 और एक 13, एक 14, 15, एक 16, 17 आ जाएगा जी, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से यदि एक कोड भाषा में कलम को बाइक, बाइक को इंजन, इंजन को पानी और पानी को कलम लिखा जाता तो उस भाषा में कागज़ पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता? पानी इसका सही आंसर रहेगा। 44, 44वां प्रश्न है आपका, x का मान निकालना है। x/2 -5 = x/3 + 1/2 करेंगे क्या?
एक साइड का पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम एक्स वाले एक साइड कर लेंगे, नॉन एक्स एक साइड, तो 33 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 46वां, 15 के 50% और 20 के 40% का कुल योग 80 का खालिस्तान प्रतिशत होगा। ठीक है, तो पहले करेंगे क्या, ठीक है, हम पहले 15 का 5% निकालेंगे, फिर 20 का 4% निकालेंगे, उसको जोड़ देंगे, जो आएगा वो x 80 का x प्रतिशत होगा, कितना होगा वो निकाल देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनोज ने 43,500 रुपये की लागत वाला एक लैपटॉप खरीदना चाहता है। दुकानदार उसे यह लैपटॉप 8% छूट पर बेच देता है। मनोज ने लैपटॉप के लिए कितना भुगतान किया? 43,500 रुपये की लागत वाला एक लैपटॉप है, 8% की छूट पर, तो या तो आप 43,500 का 8% निकालिए, 43,500 में से घटा दीजिए, 40,020 आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप सीधा 92% निकाल सकते हैं 43,500 का, 100% 43,500 एक हो जाएगा आपका 43,500 बटे 100 और 92 मल्टीप्लाई बाय 92, अब 20 से 20 कट जाएंगी, तो 435 मल्टीप्लाई बाय 92 या 92 वो आपका आंसर आ जाएगा 40,200। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आयाम और खालिस्तान ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं आवृत्ति, इनमें से कौन बिजली पैदा करने वाले सेल का उदाहरण है? गैलीलियो सेल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग मूत्र उत्पन्न करता है? जो गुर्दे हैं हमारे, किडनीज हैं, वो मूत्र उत्पन्न करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीआई कंबस्शन इंजन जो आपकी हैं, सीआई इंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ज्वलन के लिए संपीड़ित हवा की ऊष्मा का इस्तेमाल करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्फुलिंग प्रज्वलन इंजनों में 4 तरह के दहन कक्ष होते हैं, इनमें से किस दहन कक्ष में इनलेट वाल्व व एग्जॉस्ट वाल्व दोनों सिलेंडर हेड में स्थित होते हैं? तो हेड दहन कक्ष इसका सही प्रश्न रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा इंजन जेट विमानों के लिए शक्ति का स्रोत होता है? गैस टर्बाइन इंजन। ऐसा इंजन के डिजाइन में प्रदूषण को विनियमित करने के लिए संशोधन किए जा सकते हैं। ऐसा ही एक संशोधन जिसमें गैसों के शोर व निर्वात दबाव को वातावरण में छोड़ने से पहले कम कर सके, उसे हम उत्प्रेरणात्मक परिवर्तक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्लोबी, व्हाट इज ब्लोबी, ब्लोबी क्या होता है? दहन इंजन की अराल कोष्ठ में जमी हुई गैस व तेलीय धुंद। डायनमो क्या होता है? डायनमो एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत चुंबकत्व के इस्तेमाल से डायरेक्ट करंट जो है उत्पन्न करता है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, व्हाट इज डायनमो, इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक पावर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। निम्न में से कौन प्ररूपी एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली का अंग नहीं है? ऑटो स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाष्प संपीड़न चक्र के किस चरण पर प्रशीत तक वह तापमान का वह दबाव बढ़ जाता है? वाष्प संपीड़न चक्र के किस चरण पर प्रशीतक का तापमान व दबाव बढ़ जाता है? संपीड़न। वाहन को मोड़ते समय अपकेंद्री बल लगता है, इनमें से कौन उस बल को सहन करता है? चेसिस। चेसिस का अभी विन्यास ऑटोमोबाइल के विभिन्न अंशों को शामिल करता है। निम्न में से कौन चेसिस विन्यास का अंग नहीं है? ब्रेक। व्हाट इज क्लच, क्लच क्या होती है? वह घटक जो इंजन और गियर बॉक्स को जोड़े रखता है। क्लच का क्या काम होता है? यह ब्रेक, माफ़ कीजिए, जो क्लच होती है वह इंजन को और गियर बॉक्स को कनेक्ट करने का या जोड़ने का काम करता है। निम्न में से कौन स्वचालित संचरण का अंग नहीं है? क्लच, स्प्लिप्स। ठीक है, अंतिम ड्राइव प्रोपेलर शाफ्ट की ड्राइव को एक निश्चित कोण पर मोड़ देती है, उस कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टॉर्क ट्यूब क्या है जी? टॉर्क ट्यूब ड्राइव में व्यास छड़ इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या होता है? व्हीकल ड्राइव के मोड़ व प्रनोद को समाहित करने में टॉर्क ट्यूब की सहायता करना। रेडियल प्लाई टायर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्रॉस प्लाई टायर की तुलना में यह शीतलक या शीतलक चलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहिए के झुकाव व पहिए के द्वारा लिए गए मार्ग के बीच बनने वाले कोण को स्लिप कोण कहते हैं? निम्न में से कौन ड्रम ब्रेक्स का अंश नहीं है? ब्रेक शू। एग्जॉस्ट मुख्य सिलेंडर ब्रेक लाइनें व डिस्क रोटर किस प्रकार के ब्रेकों के मुख्य घटक होते हैं? शून्य ब्रेक के।
निम्न में से कौन अर्ध स्वतंत्र सस्पेंशन प्रणाली का एक प्रकार है? ट्विस्ट बीम। लीफ स्प्रिंगों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लीफ स्प्रिंग में कई पट्टियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, वह उन्हें एक साथ जोड़कर रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी निकाय पर धीरे धीरे लगने वाले भार की अवस्था में तनाव खिंचाव वक्र की आकृति कैसी होगी? त्रिकोणीय होगी। कौन से प्रकार की बीम पर बहुतायत में प्रतिक्रिया बल व बिंदु भार होते हैं? अनवरत बीम। वेबकॉक और विलकॉक्स वाष्पक, जिसे आप अगर मैं इंग्लिश की मैं बात करूँ, वेबकॉक और विलकॉक्स जो बॉयलर होते हैं आपके, इज यूज टू डिफ्लेक्ट द हॉट फ्यूल गैसेस। तो आपका बेफल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। यदि दबाव को वायुमंडलीय दबाव को सापेक्ष माना जाता है तो उसे हम गेज दबाव कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलूँ। जब बार या डिस्क के कारण कण या कण बार के अक्ष के लगभग लंबवत चलते हैं तो उन कंपनों को हम अनुप्रस्थ कंपन कहते हैं। जब रेनॉल्ड्स नंबर 2300 से कम होता है तब पर्णदलीय यानी कि लेमिनर प्रवाह उत्पन्न होते हैं। आवेगी टरबाइन में पानी का बहाव टरबाइन चक्र की स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। जब आपको पानी या धूल जैसे दूषित पदार्थों से बचाना होता है तब आप किस प्रकार के स्नेह का इस्तेमाल करते हैं? ग्रीज। ऊष्मीय कंबल के इस्तेमाल से गर्म करना ऊष्मा स्थानांतरण का कौन सा रूप है? कंडक्शन या संवहन। आप संवहन कह सकते हैं, संवहन, कंडक्शन। अगले प्रश्न की ओर चले। वह कास्ट आयरन जिसमें फ्री कार्बन व कार्बाइड बराबर मात्रा में होते हैं उसे छींटेदार कास्ट आयरन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चले। अनुभागीय मापांक की इकाई क्या है? अनुभागीय मापांक की इकाई मिलीमीटर क्यूब रहेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय में तनाव ऊर्जा का सही प्रतिनिधित्व करता? स्ट्रेन एनर्जी यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन स्क्वेयर एक्स वी बाय टू ई आपका आंसर हो जाएगा। संश्लेषित प्लास्टिक का मुख्य स्रोत कच्चा तेल होता है। निम्न दुराग्राही सामग्रियों में से किसे ऑक्सीजन के संस्पर्श में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? कार्बन इसका सही आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्थिर सकलन के साथ नदी का जल प्रवाह स्थिर व असम प्रवाह का एक उदाहरण होता है। ये आगे आपको एक आकृति दी हुई है, ये गियर हैं, बताना है आपको किस प्रकार का गियर है। तो ये हेलिकल गियर है। कौन से गियर है दोस्तों? ये हेलिकल गियर। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 5 था हमारा, पार्ट नंबर 5 था जो आपको एक सीरीज चला रखी है HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसका 5वां भाग था ये। तो इसी प्रकार से आपको कोशिश रहेगी हर रोज़ एक क्वेश्चन पेपर तो अवेलेबल कराया ही कराया जाए। आज 2 हो गए हैं। तो इसी प्रकार से रेगुलर क्वेश्चन पेपर्स के लिए अपडेट के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ओन यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।